हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की अपडेट क्या है फ्रेंड्स? आज की अपडेट है बेल्टोन के जितने भी कर्मी हैं उनके लिए ये वीडियो है फ्रेंड्स, ठीक है। सैलरी प्रोसेस क्या है और आप लोगों को ग्रॉस सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है, और कितना रुपया आपका सर्विस टैक्स में चला जाता है, आपका जो सैलरी से काटा जाता है, ठीक है। फिर बेल्टोन वालों को मैं बता दूं कि इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, बता दूं कि आप लोगों को सैलरी से पहले क्या क्या प्रोसेस यानी पीएफ अकाउंट के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको पता है क्या करना है फ्रेंड्स? जी हाँ, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सैलरी मिलने से पहले कुछ प्रोसेस यानी कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे कि पहले आपको ईआरपी में अपना नाम जोड़ना पड़ता है। इसके लिए बेल्टोन को आप लेटर देना होता है आपको, ठीक है। जैसे कि विषय में लिखना है आपको ईआरपी में अपना नाम जोड़ने के संबंध में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है यानी लेटर में आपको विषय देना है, और फ्रेंड्स इसके बाद आपको ईआरपी अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अगर आप खुद से ईआरपी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें वेरीफाई आपका अकाउंट जो है वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। फिर आपका ईपीएफ अकाउंट जल्द वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर आप अपना अकाउंट जो है जल्द वेरीफाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट कोर्ट से बनवाना है, ठीक है। शपथ पत्र में विषय में आपका ईपीएफ अकाउंट बनाने के संबंध में होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको जो है शपथ पत्र लेकर बेल्टोन ऑफिस में देना होगा, ठीक है। तो शपथ पत्र आपको यहाँ से कोर्ट से बनाना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र लेके आपको बेल्टोन ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने होंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है आपका बैंक डिटेल्स जो है वो आपको लेके जाना है। सेकंड है आपका आधार कार्ड, वो भी लेके जाना है। थर्ड आपका जो है पैन कार्ड, वो भी लेके जाना है। और एक आपका KBC नंबर होता है, ठीक है, यानी आपका जो एम्प्लॉय ID होता है, एक KBC नंबर होता है, उसी को आपको लेके जाना है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, ठीक है। आप हम लोग बात कर लेंगे कि बेल्टोन को इनहैंड सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे बातों से कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। अगर तो चलिए, मेरे सैलरी स्लिप है, ठीक है, एक बेल्टोन की कर्मी है उसका एक सैलरी स्लिप है, उसको लेकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेल्टोन के कर्मी को सैलरी कितनी मिलती है और सर्विस टैक्स यानी कि CGST SGST और सर्विस चार्ज कितना काटा जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस लेटर पे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेल्टोन के कर्मी को ग्रॉस सैलरी जो है कितना मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे टोटल कितना है, 19,329, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सर्विस चार्ज आपका 550 है, ठीक है। उसके बाद PF है यहाँ पे टोटल 1512, ठीक है। ESI आपका जो है 628। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,019, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SGST आपका 1981.71 रुपया, ठीक है, आपका कटता है। उसके बाद यहाँ पे CGST आपका 1981.71 रुपया आपका कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के जो GST आपका कटता है 3,963.42, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात कर ले कि सरकार एक बेल्टोन डीओ कर्मी के लिए कितना सैलरी देती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सैलरी की, तो टोटल हम लोग का सैलरी जो होता है वो 28,000 प्लस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीएफ और एसआई को लेकर यहाँ पे जो है सरकार अभी बात कर रही है, ठीक है। भविष्य में हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल सकता है। अगर पीएफ और ईएसआई में कुछ छूट मिल जाए सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे आपका सैलरी बढ़ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्टन में सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।